हेलो फ्रेंड्स, बात करेंगे रत्नों की। रत्न कौन बने? रत्नों का इतना प्रचलन हो गया है, जो चीज कल तक अमीर वर्ग और राजे रजवाड़ों के मुकुटों की शोभा थी, उनके आभूषणों और उनके श्रृंगार के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज थी, वो आज हर इंसान की परचेजिंग पावर पैसे के मामले में इतनी बढ़ गई है कि अब कोई भी शख्स, कोई भी जातक अपने सामर्थ्य के अनुसार इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है, खरीद सकता है। इसलिए रत्नों का एक अलग बाजार डेवलप हो गया। अब रत्न क्यों पहनना चाहिए, रत्नों का पुराना इतिहास क्या है, इसी पे हम चर्चा का कैरी फॉरवर्ड करते हैं। रत्नों की उत्पत्ति इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ ही हुई है। बिग बैंग की थ्योरी के अनुसार सूर्य पे विस्फोट हुआ और इस गैलेक्सी की निर्माण हुआ। हर ग्रह सूर्य से अलग होके अपनी कक्षा में घूमते हुए ठंडा हुआ और हर ग्रह की अपनी एक रासायनिक संरचना है जिसके चलते वो उस रंग का दिखाई देता है। अब पत्थरों को धारण क्यों किया जाए, अब उसका इससे क्या वास्ता है? जैसा कि हम जानते हैं, शनि को ब्लू प्लैनेट माना गया है, जुपिटर को येलो प्लैनेट माना गया है, चंद्र तो हमें सफेद दिखाई देता ही है और इसी तरीके से बुध, हरा, राहु, केतु तो खैर छाया ग्रह है ही है। तो इन ग्रहों का जो रंग हमें दिखाई देता है वो उनपे विद्यमान रासायनिक तत्वों की अधिकता के कारण ही दिखाई देता है। अथ ब्रह्मांडे तत् शरीरो, जो ब्रह्मांड में है वो सब हमारे अंदर है। हमारा शरीर भी इसी पृथ्वी के गर्भ की मिट्टी से उत्पन्न हुआ है। अब हमारे अंदर वो सारे तत्व विराजमान है, कोई तत्व किसी में कम और ज्यादा है, इसीलिए उसके स्वभाव को उन संबंधित ग्रहों का इफेक्ट, उन ग्रहों की रेडिएशन के चलते हर किसी को प्राप्त हो रहा है। किसी विशेष विशेषज्ञ ज्योतिषी की सलाह पे पत्थर पहनने से उस जातक के योग कारक ग्रहों का फल प्रतिफल बढ़ जाता है, जो कि उसकी डेस्टिनी को शेप देने में काम करता है। ग्रह के अनुसार पत्थर का चॉइस किसी एक स्पेशलिस्ट के एडवाइस पर ही होना चाहिए। 84 प्रकार के रत्न, जिनमें विशेष तौर पे 9 रत्नों का ही हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद। केतु रत्न लहसुनिया, वेदुर्य विद्रालक्ष लहसुनिया कैट्साई प्रचलित नाम है। कठोरता 8.5, डेंसिटी 3.68 से 3.78 है। श्रीलंका, ब्राजील, दक्षिण भारत और चीन में लहसुनिया की खदाने पाई जाती हैं, जिसमें बांस और डाक के पत्ते जैसी कांति हो और देखने में बिल्ली की आंख जैसा हो, काली और सफेद आभा लिए हुए हो, चमकदार और चिकना हो, ऐसा लहसुनिया ही धारण करना चाहिए। सफेद बिंदु, मधु के रंग जैसा, 4-5 धारियां, रक्त के छींटे, खंडित और गड्ढा युक्त, जाल युक्त और कांतिहीन लहसुनिया नहीं धारण करना चाहिए। चूंकि लहसुनिया केतु का रत्न है तो जन्म कुंडली में दुर्बल और अस्त केतु वालों को ही लहसुनिया धारण करना चाहिए। कुंडली में दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, नौवें और दसवें भाव में केतु हो तो लहसुनिया धारण करना चाहिए। यदि कुंडली के किसी भाव में केतु मंगल, बृहस्पति और शुक्र के साथ हो तो भी लहसुनिया पहनना लाभप्रद है। बने बनाए काम में अड़चन पड़ना, चोट लगना, दुर्घटना का भय, उन्नति के रास्ते बंद हो जाना, ऐसी परिस्थितियों में भी लहसुनिया धारण करना चाहिए। चांदी की अंगूठी में मड़वाकर बृहस्पति या बुधवार के दिन कनिष्ठा में लहसुनिया धारण करें। लहसुनिया एवं अन्य रत्नों की हमारे यहाँ संपूर्ण रेंज उपलब्ध है। इच्छुक जातक हमसे संपर्क करें और उचित मूल्य पर संबंधित रत्न आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। और हमारे विशेषज्ञों द्वारा जांच परख के बाद जो उसकी जेन्युइनिटी का प्रमाण पत्र जारी करते हैं, बाय कोरियर भिजवाने की व्यवस्था अवेलेबल है और हमारे द्वारा ग्रह रत्न मंगाने पर कंसल्टेशन मुफ्त अवेलेबल है। रत्न आपको कोरियर द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे। कंसल्टेशन चार्जेस काट कर आप हमें मनी ऑर्डर कर सकते हैं या डायरेक्ट नीचे दिए गए बैंक पते पर पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। धन्यवाद।